नमस्कार दोस्तों, फतेहपुर जिले में कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की युवती ने कानपुर की सहेली के साथ मंदिर में शादी रचा ली। करीब 10 दिन बाद दोनों घर वापस लौटी। उसके बाद शहर में ही एक किराए का घर लेकर रहने लगी। परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो विरोध किया। तभी वह दोनों रविवार को कोतवाली पहुँच गयी। पुलिस ने दोनों को बालिग होने पर एक साथ रहने की इजाजत दी है। शहर के एक मोहल्ले में रहने वाली युवती कोचिंग करने 2 साल पहले कानपुर गयी थी। वह पार्ट टाइम में कानपुर के एक मॉल में नौकरी करने लगी। उसी मॉल में ही काम करने वाली कानपुर की युवती के साथ में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि शादी का मन बना लिया। दोनों 3 माह पहले घर वालों को बगैर बताए घूमने चली गई थी। लौटने पर परिवार के लोगों ने दोनों को अलग कर दिया। फतेहपुर शहर की रहने वाली युवती 10 दिन पहले अचानक गायब हो गई थी। परिजनों ने कानपुर की युवती के घर वालों को संपर्क किया तो पता चला कि वह भी उसी 10 दिन से गायब है। दोनों शनिवार को फतेहपुर आ गई। घर वालों से अलग कमरा लेकर रहने लगी। परिजनों के विरोध पर दोनों रविवार को कोतवाली पहुंची। उन दोनों ने बताया कि घर से चले जाने के बाद उन्नाव के एक मंदिर में शादी रचाई है। अब वह घर वालों से अलग एक साथ रहना चाहती है। दोनों परिवार के लोग भी कोतवाली पहुंचे। कोतवाली में पंचायत के बाद पुलिस ने बालिग होने के कारण और समलैंगिकता कानून के आधार पर एक साथ रहने की इजाजत दी। कानपुर के परिजनों ने दोनों को साथ रखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन वह दोनों तैयार नहीं हुई। वह दोनों राजी नहीं हुई। फतेहपुर की युवती पत्नी की तरह सलवार कुर्ता में थी। कानपुर की युवती पति की तरह पैंट शर्ट में थी। वह एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं। SSI कैलाशनाथ ने बताया कि दोनों बालिग हैं और वह घर वालों से अलग रहना भी चाहती हैं। परिवारों की रजामंदी पर दोनों को एक साथ रहने के लिए अलग भेज दिया गया है।